तीन बच्चों की मां के प्रेम संबंधों ने शनिवार को आगरा के रुनकता सिकंदरा में हंगामा करा दिया। प्रेमी मिलने घर आया था, ससुरालीजनों ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया, बेरहमी से पीटते हुए चौराहे पर ले आए, बिजली के खंभे से बांधकर अर्धनग्न करके पीटा, कट लगाने का प्रयास किया। आरोप है कि फांसी लगाने की भी कोशिश की गई। महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके ससुरालीजनों के खिलाफ बलवा मारपीट, बंधक बनाना, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत मुकदमा लिखा है। फिलहाल आरोपित पकड़े नहीं गए हैं। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। रुनकता निवासी महिला 4 माह पहले कस्बे में लगी हॉट में गई थी। वहां उसकी मुलाकात ऑटो चालक बबुआ से हुई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए, आपस में फोन पर बात करने लगे, छुप छुप कर मिलने लगे। विवाहिता के पति को शक हो गया, उसने पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया। घर में क्लेश होने लगी। ससुरालीजनों ने बहू को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। प्लानिंग के तहत बहू को घर पर अकेला छोड़ा, पति काम पर चला गया, ससुरालीजन भी बहाना बनाकर चले गए। विवाहिता घर पर अकेली थी। आरोप है कि पीछे से बबुआ उससे मिलने आया, बबुआ घर में था। इसी दौरान ससुरालीजन आ गए, दरवाजा खटखटाया, बहू घबरा गई, पहले तो दरवाजा नहीं खोला। सूचना पर पुलिस पहुंची। विवाहिता ने यह बोला कि घर में कोई नहीं है, बेवजह उस पर शक किया जा रहा है। पुलिस वापस लौट आए, विवाहिता ने दरवाजा बंद रखा, बबुआ छत के रास्ते भागकर जा रहा था। भीड़ ने उसे दबोच लिया, पीटते हुए चौराहे पर लेकर आए, बिजली के खंभे से हाथ बांध दिए, नीचे के कपड़े उतार दिए, कमर पर शर्ट बांध दी, उसके बाद डंडों से पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आशिक को बचाया। विवाहिता और आशिक को थाने लेकर आया गया। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया, एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जो घटना है वो सामने आई थी। एक महिला जो उसकी महिला मित्र है, उसके उसने एक थाने पे तहरीर दी थी, कुछ वीडियो भी इसमें वायरल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की कुछ लोगों के द्वारा पिटाई की गई थी। मौके का मुआयना करने के बाद और तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें एक मुकदमा जो है वो पंजीकृत हुआ है। 183/21 मुकदमा अपराध संख्या है और इनमें बलवा आदि के धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। त्वरित जो है वो टीमों का गठन करके मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु टीमों को निर्देशित किया गया था। इसमें एक व्यक्ति जो कि मेन व्यक्ति है टीकम, इसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जो ये व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसका नाम बबलू है, उसको भी मेडिकल जाँच के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। भीड़ आक्रोशित थी, जो भी आ रहा था बबुआ पर हाथ साफ कर रहा था। एक बुजुर्ग तो मोटी लकड़ी से उसके पैरों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था। भीड़ में शामिल लोग बोल रहे थे कट लगा दो, कुछ लोगों ने उसे कट लगाने का भी प्रयास किया। वीडियो में एक जगह उसका गला घोटने का भी प्रयास करते लोग दिख रहे हैं। युवक बार बार अपना चेहरा छिपा रहा था, लोग बाल पकड़कर उसका चेहरा कैमरे के सामने कर रहे थे। सूचना पर पुलिस जब गांव में पहुंची, युवक खंभे से बंधा हुआ था, उसके पूरे शरीर पर मारपीट के निशान थे। विवाहिता उसके पास ही खंभे के सहारे बैठी हुई थी, उसे देखकर गांव की महिलाएं ताने मार रही थी। पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई, युवक को मेडिकल के लिए भेजा। सोशल मीडिया पर घटना के एक नहीं कई वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में युवक को घसीटकर ले जाया जा रहा है, एक वीडियो में वो खंभे से बंधा है, उसे पीटा जा रहा है, एक वीडियो में उसका चेहरा बाल पकड़कर ऊपर किया जा रहा है, एक वीडियो में गले में कपड़ा बांधकर गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, वीडियो में युवक के चेहरे और पैरों पर चोट साफ दिख रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक।